वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन का जो फिजिकल और ट्रेड टेस्ट कंडक्ट हुआ था 5 सितंबर 2022 को सुखोविन सेंटर पे। तो सुखोविन सेंटर पे जितने भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइड हुए थे उन्होंने मुझे क्वेश्चन शेयर किया था ट्रेड रिलेटेड, तो वही क्वेश्चंस को मैं नोट डाउन किया हूँ। तो आपको स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो 100% रियल और ऑथेंटिक्स होगा। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कई दिनों से मैसेज करते आ रहे थे कि सर आपने असम राइफल नर्सिंग असिस्टेंट का ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन दिखा दिया कि किस तरह का ओरिजिनल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर्मरर का रियल क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आपने अभी तक हवलदार ऑपरेटर रेडियो लाइन का नहीं कराया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे जेन्युइन क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहा था जिसके कारण मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन मुझे आज जेन्युइन क्वेश्चंस मिला है और आज मुझे लगभग 3 कैंडिडेट ने बताया है क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। और यही क्वेश्चंस ना बार बार अलग अलग कैंडिडेट से रिपीटेड किया जा रहा है, तो आप सभी के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। देखिए अभी बिहार का फिजिकल हो रहा है और ट्रेड टेस्ट हो रहा है और 15 तारीख तक चलेगा बिहार वाले का, और जिनका 15 तारीख तक होगा उनका एग्जामिनेशन 19 सितंबर 2022 को होने वाला है। तो आपको मैं टोटल रिव्यू देने वाला हूँ कि किस तरह एंट्री हुआ और उसके बाद क्या हुआ, सारे प्रोसेस बताऊँगा। ट्रेड टेस्ट में कितने कैंडिडेट को पास किया गया, रनिंग में कितने कैंडिडेट को पास किया गया, ट्रेड टेस्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितना क्वेश्चंस पर पास किया गया, ये सारे जानकारी दूंगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से जेन्युइन क्वेश्चंस को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ। और वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा और ये सारे क्वेश्चंस रट कर ही जाना है जिनका नेक्स्ट डे पर फिजिकल है, क्योंकि यहीं से देखिएगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली यहीं से क्वेश्चंस आपको हूबहू पूछा जाएगा, यहीं क्वेश्चंस बार बार पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले आपका वहाँ पर जाइएगा तो आपका जो एंट्री टाइम लिखा गया है तो उस एंट्री टाइम पे एंट्री नहीं होगा। कैंडिडेट रात के 2 बजे से ही लाइन लगना स्टार्ट कर दे रहे हैं और वहाँ पे 3 बजे मॉर्निंग से ही कैंडिडेट को एंट्री लिया जा रहा है, ठीक है। और कैंडिडेट ने बता रहे थे कि एक दिन में 700 कैंडिडेट को बुलाया गया था जिसमें से 500 के करीब में वहाँ पर प्रेजेंट थे और 500 में से जो बैच बना था, फर्स्ट जो बैच बना था 230 का बैच बना था, ठीक है। तो एंट्री 3 बजे से स्टार्ट हुआ और मॉर्निंग में 5 बजे से आपका रनिंग भी स्टार्ट हो जा रहा है, मतलब बहुत अच्छा है वहाँ पे सुखोवी सेंटर पे। एंट्री देखिए, एंट्री के बाद जस्ट आपका हाइट मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। हाइट के बाद उसके बाद डायरेक्ट आपको ग्राउंड ले जाया जा रहा है रनिंग के लिए, ठीक है। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट मतलब चेक नहीं हो रहा है, हाइट के बाद जस्ट ग्राउंड ले जाया जा रहा है और वहाँ पर 5 किलोमीटर चेस्ट वगैरह नंबर देकर रनिंग कराया जा रहा है, फुल टाइम 24 मिनट का दिया जा रहा है। जैसे ही रनिंग आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपका फिर से पूरा हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होता है, उसके बाद क्या होता है डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में आपको देखिए 10th 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है, कास्ट आपका EWS है, EWS का जो फॉर्मेट दिया गया है ऑफिशियल साइट पर उसी फॉर्मेट में लेकर जाना है, OBC का, सेंट्रल का चाहिए, SC ST का, और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि हमारे पास अभी नहीं है, तो देखिए अगर मान लीजिए आपके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जिस दिन एग्ज़ाम होगा 19 सितंबर को उस दिन आपको लेकर जाना होगा। तो मतलब आपके पास अगर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ले जा सकते हैं एग्ज़ाम के डे पर, डोमिसाइल होना चाहिए डेफिनेटली, उसके बाद आधार फोटो ये सभी आपको लेकर जाना है। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर हमारा मतलब छूट गया है, फिजिकल नहीं हो पाया, तो यदि आपका फिजिकल 2 से 3 दिन आप लेट हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ पर जाइएगा तो आपको मौका दिया जाएगा। 2-3 दिन पहले के भी कैंडिडेट को जिनका छूटा है उनको भी रनिंग के लिए मौका दिया जा रहा है, तो ये डाउट क्लियर हो गया। जिनके पास पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एग्ज़ाम के डे पर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आप लोग रनिंग करने जाइएगा। ये रहा रनिंग का, ये सब कंप्लीट होने के बाद डॉक्यूमेंट के बाद आपका ट्रेड टेस्ट लिया जा रहा है। ट्रेड टेस्ट में टोटल 15 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जिसमें से आप यदि 10+ क्वेश्चंस का आंसर दे देंगे तो आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइड हो जाएगा। देखिए लास्ट में कंक्लूजन निकला था कि टोटल 500 कैंडिडेट में टोटल 28 ही कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट में पास हुए हैं मिलाकर, टोटल
आप सोच सकते हैं कि एक बैच में 8-10 लड़के पास हो रहे हैं इस तरह से, मतलब बहुत ही कम कैंडिडेट पास हो रहे हैं ट्रेड टेस्ट में। और ये जितने क्वेश्चंस हैं ना, जैसे 15 क्वेश्चंस है, तो 15 क्वेश्चन तो लगभग मुझे मिल ही गया है, तो यही क्वेश्चंस बार बार अलग अलग कैंडिडेट से रिपीटेड हो रहा है। तो आप लोग जिनका नेक्स्ट डे पर है, तो आप लोग पूरा रट्टा मार लीजिएगा यहाँ से, यही देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो पूछा गया था ट्रेड टेस्ट में क्वेश्चंस ऑफिसर्स द्वारा, ALU का फुल फॉर्म, तो अर्थमेटिक्स लॉजिक यूनिट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कैंडिडेट से, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। AC करंट ज़्यादा दूर जाएगा या DC, तो AC जाएगा। ये भी पूछा गया, पानी में वायु का बुलबुला किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, पंखे का जो रेगुलेटर होता है उसको विज्ञान के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, तो ये एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी पूछ लिया गया था। तो देखिए, आप लोग जनरेटर से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले होगा, इस टॉपिक को ही पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर में कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, तो आप लोग कंप्यूटर के जितने भी शॉर्टकट की होता है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, Ctrl-C होता है, ठीक है। ये पूछा गया था, जो मोटरोला टॉक अबाउट रेडियो किस आवृत्ति पे कार्य करता है, तो ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के FRS और GMRS सेगमेंट पर काम करता है। ये रट्टा मार लीजिए आप लोग, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी पूछा गया कि CPU का फुल फॉर्म क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। देखिए, आपसे कंप्यूटर के एक या दो जरूर फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, वो भी बेसिक ही पूछा जाएगा, जैसे रैम का पूछा जाएगा, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। तो आपको जितने उसके बाद पूछ सकता है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग जितने भी बेसिक चीज़ है कंप्यूटर से, वो लोग आप नॉलेज लेकर जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी पूछा गया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 पाया जाता है। ये भी पूछा गया है, एनोड और कैथोड क्या है, तो देखिए एनोड एक ऐसा टर्मिनल होता है जहाँ की करेंट जो होता है डिवाइस के भीतर फॉलो करता है बाहर से, ठीक है। वहीं जो कैथोड होता है एक ऐसा टर्मिनल होता है जहाँ की करंट जो होता है फॉलो डिवाइस से बाहर जाता है, जो करंट होता है डिवाइस से बाहर फॉलो करता है, यही अंतर है इसमें। प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल के बीच का अंतर पूछा गया था कैंडिडेट से, तो देखिए प्राइमरी सेल जो होता है उसको आप चार्ज नहीं कर सकते, तो नॉट चार्जेबल होता है, जबकि वहीं बात करते हैं सेकेंडरी सेल को, तो वो चार्ज किया जा सकता है, यही अंतर होता है इसमें। अब देखिए, ये पूछा गया था डायोड का क्या काम होता है, जैसे एक फिगर दिखाया गया आपको वहाँ पे ऑफिसर्स द्वारा फिगर दिखाया गया था, ठीक है। तो वो पूछा गया कि ये क्या है, तो बोले कि कैंडिडेट बोला डायोड, तो पूछा गया डायोड का क्या काम होता है। आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए शो हो रहा होगा डायोड का फिगर, देख लीजिए, देख लीजिए ये डायोड है। ये डायोड जो होता है इसका काम होता है, डायोड एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो करंट को एक ही दिशा में फॉलो होने देता है, ठीक है। यह करंट को दूसरी दिशा में फॉलो होने नहीं देता है। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इसमें से एक का नाम है कैथोड और दूसरा का नाम है एनोड। तो आप लोग ये याद करके कर लीजिएगा, ये प्रत्येक कैंडिडेट से पूछा जाएगा। अब ये भी पूछा गया था डायोड किससे मिलकर बना होता है, सेमी कंडक्टर से मिलकर बना होता है। कैथोड और एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, तो देखिए कैथोड पर ऋणात्मक होता है और एनोड पर धनात्मक चार्ज होता है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ, ये तो क्वेश्चंस पूछा गया था, अब क्या कर रहे हैं कि ऑफिसर्स बैठे रहे हैं, आगे टेबल है, उस टेबल पर एक क्या कर रहे हैं, पेज रखा गया, पेज पर ही अलग अलग डायग्राम बनाया गया, फिगर बनाया गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फिगर है, जैसे गैल्वेनोमीटर है, देखिए आपको मैं आपको शो कर दे रहा हूँ ताकि आप देख लिख के, आपको जब भी डायग्राम में वहाँ पर पेज पर दिखे तो आप पता बता दे कि ये गैल्वेनोमीटर है। तो आपको देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा है गैल्वेनोमीटर, देख लीजिए आप। देखिए उसके बाद डायोड का, डायोड किस तरह का होता है इसका, तो देख लीजिए इसका भी फिगर देख लीजिए, अगर जहाँ भी इस तरह का फिगर दिखे वो डायोड है। अब देखिए कैपेसिटर्स कैसे होते हैं, तो देखिए ये शो हो रहा है, इस टाइप के कैपेसिटर होते हैं। तो ये अलग अलग आपको वहाँ पर पेज पर बनाया गया है, ठीक है। आपको पहचाना हो, पूछेंगे कि ये क्या है, तो आपको बोलना है डायोड है, ये कैपेसिटर है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है।
अब ये भी पूछा गया था एसी को डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, तो रेक्टिफायर, जिसे हिंदी में दिष्टकारी कहा जाता है। तो ये हमें रियल क्वेश्चंस मिला है। जैसे ही और मुझे क्वेश्चंस मिलता है रेडियो ऑपरेटर से, तो मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मेरे चैनल पर जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेन्युइन मिलेगा, भले लेट आता है वीडियो, लेकिन आपको जेन्युइन मिलेगा जानकारी। इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे है, पूरा रट्टा मार के जाइएगा, यहीं से क्वेश्चन देखिएगा, हूबहू आपसे पूछ लिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।